सीहोर जिला शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जिले के 72 स्कूलों की मान्यता को निरस्त कर दिया। यह सभी स्कूल बिना मापदंडों के चल रहे थे। जानकारी के अनुसार जिले में 701 निजी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण हर साल शिक्षा विभाग करता है। नवीनीकरण को लेकर विभाग ने नियम बनाए हैं। इनके आधार पर भौतिक सत्यापन कर स्कूलों को मान्यता दी जाती है, जिसके बाद सभी स्कूलों के संचालकों ने नवीनीकरण को लेकर ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन के बाद शिक्षा विभाग ने मौके पर जाकर जांच की तो जिले में ऐसे 72 स्कूल मिले जो बिना मापदंडों के चल रहे थे। इन स्कूलों में खेल मैदान, शौचालय और अन्य सुविधाएं तक नहीं थी, जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए इन स्कूलों की मान्यता को निरस्त कर दिया। जिले में 72 स्कूल की मान्यता समाप्त की गई है। जो स्कूल मापदंड में खड़े नहीं थे, उसमें कुछ नवीन थे, कुछ नवीनीकरण थे, टोटल मिला के 72 स्कूल की मान्यता अमान्य की गई है। ये स्कूल कलेक्टर महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। सीहोर से जावेद जाफरी की रिपोर्ट।